वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल आत्या। आज मैं खुद के लिए बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं एक मेरी सब्सक्राइबर है या फिर बोल सकते मेरी फ्रेंड है या फिर जो भी बोल सकते हैं, वो उनको बहुत ही ज़्यादा नीड है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और उनकी स्टोरी सुनिएगा। ये मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ ये किसी की हेल्प है। अगर हमारे थोड़ी से हेल्प से किसी की हेल्प हो जाती है तो मैं तो कहूँगी कि मैं उसकी मेरे से जितना बन सकता है मैं उसकी हेल्प करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो भी उनका भी एक चैनल है, तो उनके चैनल पे अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ भी नहीं आते हैं। उनको एक कमेंट आया कि आप सुंदर नहीं हो, आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मतलब सुंदर लोग ही सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, या ऐसा कहीं लिखा गया है क्या सुंदर लोग ही भी सोशल मीडिया पे आ सकते हैं? जिनके अंदर टैलेंट होगा सारे लोग आ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो खूबसूरत होते हैं उनकी ही फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। अपने अपने एक अंदर एक जो टैलेंट होता है ना, उसके थ्रू लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुंदरता को लेकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, मेरा मानना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तो मैं एक वीडियो देखी, वहाँ पे कमेंट थी, देन उन्होंने मुझे कमेंट के रिप्लाई में मुझे बोला, दीदी मुझे भी सपोर्ट करो। फिर मैंने उनके चैनल पे जाके देखा तो उनकी स्टोरी जो है मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट की, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई उनकी स्टोरी सुन के। आप लोग प्लीज़ उनके चैनल पे जाइएगा और प्लीज़ उनकी स्टोरी सुनिएगा। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार हमारे थोड़े से सपोर्ट से अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, उन्हें बहुत ज़्यादा नीड है इस समय सब्सक्राइबर की। उनका चैनल 1 साल पुराना हो गया है, बट उनके चैनल पे अभी 50 सब्सक्राइबर भी क्रॉस नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वो एक कैंसर पेशेंट हैं, उनको कैंसर है, जी हाँ उनको कैंसर है। वो दूसरा कोई रास्ता नहीं अपनाना चाहती हैं अपने फैमिली के साथ रहने का, मतलब जीवन यापन करने का। ये लॉकडाउन ने ना बहुत सारे लोगों को ऐसा तकलीफ़ दिया है, ऐसे दुख दिए हैं कि क्या बताऊँ मैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखा है मैंने, जो बेघर हो गए हैं, जिनके लोग नहीं रहे हैं। तो लॉकडाउन ने ना बहुत कुछ बिगाड़ा है लोगों के साथ, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनको कैंसर है, उनकी 3 बेटियां हैं, और वो बोली मुझसे, दीदी मेरा घर बिक, मतलब घर तो किराए पे रहती हैं, मेरी गाड़ी बिक गई, मेरी दुकान बिक गई, और यहाँ तक कि उनके सारे गहने भी बिक गए। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई यार। उनकी 3 बेटियां हैं, उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बट वो कैंसर पेशेंट हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियाँ उनके बाद किसी के भरोसे पलें। वो सब कुछ अपनी बेटियों के लिए करना चाहती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ मेरी हाथ जोड़ के अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उन्होंने बोला कि मैं काम और भी कर सकती हूँ, मुझे झाड़ू पोछा का भी काम मिला था, मैं इस जगह बर्तन झाड़ू पोछा का काम मिला था, बट मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी 3 छोटी छोटी बेटियाँ हैं, मैं उनको घर पर अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और अभी मकान मालिक ने उनको साफ बोल दिया है कि अगर आप मेरा किराया नहीं दे रहे हो तो आप मेरा घर छोड़ दो। तो यार वो घर अगर छोड़ देंगी तो वो कहाँ जाएंगी? प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको फुल सपोर्ट करें, उनके वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि उनका जल्द से जल्द मोनो हो जाए और मोनो के बाद वो कुछ पैसा अर्न कर सकें। और उनकी दुकान भी बिक गई है, तो उनके हस्बैंड के पास भी अभी बहुत अच्छा खासा काम नहीं है। उन्होंने मुझसे बोला, दीदी मेरा सब कुछ बिक गया है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस किसी तरीके से जो पैसे बचाए थे उसी से काम चल रहा है उनका। तो प्लीज़ आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और सबसे मुझे हर्ट करने वाली बात ये लगी कि वो कैंसर पेशेंट होते हुए भी उनके अंदर ये गट्स है, ये स्टेमिना है, ये सोच है कि मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती हूँ। तो यार अगर हमारे सपोर्ट से कुछ हो जाता है तो हमें प्लीज़ ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोग मुझे इतना सा भी थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि उनके पास और कोई सहारा भी नहीं है। उनको एक बगल के भैया ने
बोला कि आप YouTube पे वीडियो डालिए, शायद आपका कभी ग्रो हो जाए। बट वो एक साल से वीडियो डाल रही हैं, उनका अभी तक चैनल ग्रो नहीं हुआ है। और वो बोले कि दीदी प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और मेरे सब्सक्राइबर अभी 43 या 42 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके, और यही बोल रही थी कि मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, भैया ने चैनल खोल के दिया, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई ऑफिस ज्वाइन कर सकूँ, और ऑफिस जाएंगी भी कैसे क्योंकि उनकी छोटी छोटी 3 बच्चियाँ हैं, उनको किसके सहारे छोड़ के जाएंगी वो बाहर। तो इसलिए वो बोली कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती, घर पे भी मेरे को कोई ऐसा टैलेंट उनके अंदर नहीं है कि घर पे ही रह के कुछ कर सकें। तो उन्होंने सहारा लिया है यूट्यूब का। तो मेरी सारी ऑडियंस से जो मुझे इस टाइम देख रही हैं, और मेरे सारे सब्सक्राइबर से, सबसे मेरे दोस्तों से, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, किसी एक ने उनसे बोला कि आप सुंदर नहीं हो, आप यूट्यूब पे क्यों आए हो, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ वो कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा उनको कमेंट की कि आप सुंदर नहीं हो, क्या जो सुंदर होते हैं वही सोशल मीडिया पे आ सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि सुंदर लोग ही अट्रैक्टिव होते हैं क्या, और किसी को जीने का हक नहीं है? और अगर सुंदरता खुद से बनाई जाती तो हर इंसान ये सोचता कि मैं कितनी खूबसूरत हो जाऊं। ठीक है, ये तो भगवान का दिया हुआ है, जो हमारे बॉन्ड से मिलता है, हमको बचपन से मिलता है, पैदाइशी होती है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कभी एक्सीडेंट स्पॉट हो गए या कुछ हो गए, तो वो भी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो प्रकृति का दिया हुआ है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। कोई सुंदर है नहीं सुंदर है उससे क्या मतलब है यार आपको? मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यार, सबके पास इतना डेटा तो होता ही होगा कि बच जाता होगा, तो उस डेटा से प्लीज़ उनके वीडियोस को वॉच कीजिए और उनको टाइम कंप्लीट कराइए, ताकि उनका जल्द से जल्द मोनो हो जाए। उनकी 3 बच्चियों के लिए आप प्लीज़ ये हेल्प ज़रूर कीजिए उनके, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। जो भी उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद।